आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करी थी, तो उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे एक्सपोनेंट के। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होते हैं अपने वो समझते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर दिया है 5 रेस टू 3, यदि आपको नंबर 5 रेस टू 3, तो यहाँ पे दो चीज है, एक है 5 और एक है 3। तो जो 5 होगा उसको हम लोग कहेंगे हमारा बेस, क्या कहेंगे उसको हम लोग हमारा बेस, और जो 3 होगा उसको कहा जाएगा उसका पावर या फिर एक्सपोनेंट, क्या कहेंगे उसको उसका पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग एक्सपोनेंट के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम में आने वाली है। तो यानी जो सर जैसे ये जो बेस है और उसकी जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं, अपना एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अब देखो सबसे पहली फॉर्मूला हमारे पास है a रेस टू m इंटू a रेस टू n। अब मान लो तुम्हारे पास को भी दो नंबर्स है जिनका बेस सेम है, जिनका बेस क्या है सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। अगर कोई दो नंबर जिनका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों के जो पावर्स होंगे या फिर एक्सपोनेंट, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। तो दोनों के जो पावर्स होंगे वो दोनों के पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा a रेस टू m प्लस n, ये क्या हो जाएगा a रेस टू m प्लस n, बराबर। अगर कोई भी दो नंबर है जिनका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। सेकेंड लॉ a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, अगर कोई भी दो नंबर है जिनका बेस सेम है और वो दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड में है, वो दोनों क्या एक दूसरे के साथ डिवाइड में है तो इनके पावर्स क्या होंगे माइनस, मतलब a रेस टू m माइनस n, पावर क्या होगा a रेस टू m माइनस n, करेक्ट। और यहाँ पे एक और कंडीशन आप याद रखना, बिकॉज m इज ग्रेटर देन n, मतलब यहाँ पे m और n में हमने m को बड़ा कंसिडर करा है, इसके लिए n ऊपर गया माइनस में। दूसरी कंडीशन a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन हुई जहां पे n बड़ा है और m छोटा है, तो ये ऐसी कंडीशन में क्या देखो है तो डिवाइड में, बट इस बार अलग क्या है कि n बड़ा है और m छोटा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन a रेस टू n माइनस m, मतलब यहाँ पे m इज लेस देन n। देखो एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में आपको ऊपर नंबर दिया होगा तो नंबर में तो आपको पता ही होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ पे फॉर्मूला है इसके हिसाब से मैं m और n लेके कर रहा हूं। नेक्स्ट है इसके बाद a रेस टू m होल रेस टू n, क्या दिया हमको a रेस टू m होल रेस टू n, मतलब a का पावर है m और m का पावर है n, क्या है a का पावर है m और m का पावर है n, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन में कोई सम आया तो यहां पे आप क्या करोगे, दोनों पावर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी a रेस टू m इंटू m, क्या हो m इंटू n, तो अगर a रेस टू m इंटू n। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग a रेस टू m इंटू b रेस टू n। अब मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जहां पे बेस अलग है, जैसे यहां पे इसका बेस a है इसका बेस b है, लेकिन दोनों की जो पावर है वो सेम है, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे ऐसा होगा a इंटू b होल रेस टू, मतलब यहां पे हम दोनों को कॉमन पावर दे देंगे, बराबर। बेस अलग अलग है बट पावर सेम है तो दोनों की कंबाइन पावर आ जाती है। नेक्स्ट a रेस टू m अपॉन b रेस टू m, अब यहां पे सेम दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों की पावर सेम है और दोनों डिवाइड में, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा a अपॉन b होल रेस टू m, क्या हो जाएगा a अपॉन b होल रेस टू m। नेक्स्ट देखो, अब मान लो जैसे a रेस टू 1, मतलब तुम्हारा कोई भी बेस हो और अगर पावर 1 होगा, कोई भी बेस हो और आपका पावर अगर 1 होगा तो आंसर तुम्हारा वही का वही बेस होगा, क्या होगा आंसर तुम्हारा वही का वही बेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 20 रेस टू 1 तो आंसर विल बी 20, अगर मैं बोलूं 50 रेस टू 1 तो आंसर विल बी 50, अगर पावर 1 है तो बेस ही तुम्हारा आंसर होता है। नेक्स्ट a रेस टू 0, अब देखो अगर तुम्हारा बेस कुछ भी है और अगर पावर 0 है, बेस कुछ भी हो कुछ भी
और अगर पावर जीरो है तो फाइनल आंसर आपका हमेशा वन आएगा। अगर सर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वन रेस टू जीरो तो आंसर क्या होगा, वन होगा। जैसे मैं बोलूं 20 रेस टू जीरो तो आंसर क्या होगा, वन होगा। बेस कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आपका पावर जीरो है तो फाइनल आंसर आपका हमेशा वन आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वन करोड़ रेस टू जीरो तो भी वन ही आंसर आएगा, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। नेक्स्ट देखो ए रेस टू माइनस एम। अब अगर कोई कंडीशन में आपको पावर ये लोग ने माइनस में दी है तो उसको प्लस में आप लोग कैसे करोगे, तो उसको आप लोग रेसिप्रोक कर लोगे, मतलब यहां पे क्या लोगे, वन अपॉन ए रेस टू एम। नेक्स्ट वन अपॉन ए रेस टू माइनस एम, और वही अगर आपके पास अपॉन में है और पावर माइनस में है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, उसको ऊपर भेजोगे, दैट विल बी ए रेस टू एम। तो ये हमारे 10 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं।